ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शशिकांत यादव। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्र ने छत्तीसगढ़ सहित जिन राज्यों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं वहां जांच बढ़ाने और कोविड संबंधी नियमों का सख्ती से पालन करने को कहा। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री कल रायपुर पहुंचेंगे। एम्स के 10 मॉड्यूलर ऑपरेशन थियेटर और पेट सिटी मशीन का करेंगे लोकार्पण। राजधानी रायपुर में भारत सरकार के पत्र सूचना कार्यालय, आउटरीच ब्यूरो और प्रसार भारती के नाम से फर्जी ऑफिस चलाने और फर्जी नियुक्ति पत्र देने वाले एक रैकेट का पर्दाफाश। और प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला, अगले 24 घंटों के दौरान एक दो स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना। कोरोना महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड 19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने कहा है कि छत्तीसगढ़ सहित महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक और गुजरात में कोविड संक्रमण के दैनिक मामलों में काफी वृद्धि हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि केंद्र सरकार विशेष रूप से उन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ संपर्क में है जहां कोरोना संक्रमण के रोजाना मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। मंत्रालय का कहना है कि केंद्र सरकार उनके साथ कोविड नियंत्रण तथा जन स्वास्थ्य उपायों की निरंतर समीक्षा कर रही है। मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उन सभी जिलों में कोविड जांच बढ़ाने की सलाह दी गई है जहां जांच कम कर दी गई थी। संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए कम से कम 20 व्यक्तियों का 72 घंटे के अंदर पता लगाने तथा गंभीर मामलों में पृथक आवास और शुरुआती उपचार की व्यवस्था करने की भी सलाह दी गई है। चिन्हित जिलों के उन इलाकों में निगरानी बढ़ाने तथा कोविड संबंधी नियमों का सख्ती से पालन करने को कहा गया है जहां मामले बढ़ रहे हैं। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में कल एक ही दिन में कोरोना संक्रमण के 1066 नए मामले सामने आए, जिनमें सर्वाधिक रायपुर जिले से 310 और दुर्ग में 281 मरीज मिले। प्रदेश में कल 40,283 कोरोना टेस्ट किए गए। केंद्र सरकार ने कहा है कि कोविड 19 के टीके पूरी तरह से सुरक्षित हैं और इनकी क्षमता पर संदेह नहीं करना चाहिए। आज लोकसभा में एक पूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि कोई भी टीका कड़े वैज्ञानिक परीक्षण और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेषज्ञों की जांच के बाद ही लगाया जाता है। उन्होंने कहा कि देश में कोविड 19 टीके के मामूली दुष्प्रभाव की खबर है। डॉ. हर्षवर्धन ने लोगों से कोविड टीका लगवाने की अपील की। लगभग 3.5-4 करोड़ लोगों को डोजेज लग गई हैं, इसलिए मैं समझता हूं कि जो चीज साइंटिफिक स्क्रूटनी और विश्लेषण से बाहर आती है और जब उसका इस्तेमाल होता है और सारी दुनिया कर रही है, हम देश के लोगों को भी ये कहना चाहते हैं कि वैक्सीन के बारे में कोई अपने मन में किसी भी प्रकार का भ्रम न रखें। और आपको जो सुविधा उपलब्ध कराई है भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने नेतृत्व देकर, उस सुविधा को अपने निकट के सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में जाकर और एक फोन से अपनी बुकिंग करा कर आप उस वैक्सीन को लीजिए। अपने को सुरक्षित करिए, अपने मित्रों को, अपने परिवारजनों को, समाज में सबको सुरक्षित करने का काम करिए। इस बीच देश में अब तक 3,93,00,000 से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है। इधर छत्तीसगढ़ में भी कोरोना टीकाकरण का कार्य जोर शोर से जारी है। कल 78,640 लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया। राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉ. अमर सिंह ठाकुर ने बताया कि अभी राज्य में पर्याप्त वैक्सीन उपलब्ध है और टीकाकरण की प्रक्रिया में कोई बाधा नहीं आएगी। उन्होंने बताया कि राज्य को जल्द ही 5.25 लाख से अधिक डोज की कोरोना वैक्सीन मिलेगी। इस बीच दुर्ग कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए बुजुर्गों के साथ ही युवाओं से भी विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। मेरा सभी लोगों से आग्रह है कि अभी यह समय है हम सब लोगों को एक साथ आके काम करने का, एक साथ आके इस जंग में लड़ने का।
इसमें मुख्य टारगेट यही है कि जो कोरोना की वजह से मृत्यु हो रही है उसको हम लोग कैसे कम कर सकते हैं। इसके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है किसी भी प्रकार के लक्षण होने से तत्काल नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाके अपनी कोरोना का जांच कराना। उसके पश्चात अगर ऐसे किसी भी प्रकार के सिम्टम्स है और अगर डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं तो अपने परिजन को या फिर संबंधित व्यक्ति को द्वारा सही समय में अस्पताल में एडमिट होना चाहिए और डॉक्टर के सलाह अनुसार काम किया जाना चाहिए। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे कल 20 मार्च को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स रायपुर के 10 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर और पेट सीटी मशीन का लोकार्पण करेंगे। केंद्रीय मंत्री कल शाम रायपुर एयरपोर्ट से एम्स पहुंचेंगे। इसके बाद वे ओटी और पेट सीटी मशीन का लोकार्पण करने के बाद एम्स का दौरा करेंगे। इस दौरान वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर कोविड 19 के उपचार संबंधी सुविधाओं और इसके वैक्सीनेशन की प्रगति की समीक्षा करेंगे। इसके बाद वे कल शाम को ही बिलासपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। राजधानी रायपुर में भारत सरकार के पत्र सूचना कार्यालय आउटरीच ब्यूरो और प्रसार भारती के नाम से फर्जी ऑफिस चलाने और फर्जी नियुक्ति पत्र देने वाले एक रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने इस मामले में अभिजीत शर्मा नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इसके पास से प्रसार भारती, गृह मंत्रालय और अन्य विभागों के फर्जी लेटर पैड पर जारी अनेक नियुक्ति पत्र और भारत सरकार की मुहर सहित अन्य सामग्री बरामद की गई है। पुलिस को आकाशवाणी केंद्र रायपुर के अधिकारियों की ओर से यह जानकारी दी गई थी कि राजीव नगर इलाके में कोई व्यक्ति भारत सरकार के विभागों के नाम का बोर्ड लगाकर संदिग्ध तरीके से ऑफिस चला रहा है। साथ ही आरोपी ने आकाशवाणी केंद्र रायपुर के विभिन्न वरिष्ठ अधिकारियों की नाम पट्टिका का बोर्ड भी अपने कार्यालय में लगा रखा था। सीएसपी नसर सिद्दीकी ने बताया कि इस पूरे मामले में विस्तार से जांच की जाएगी। पुलिस ने आकर के यहाँ पर रेड किया तो एक अभिजीत शर्मा इसका डायरेक्टर है, उसको हिरासत में लिया गया है। उससे पूछताछ की जा रही है। अभी दस्तावेजों के अवलोकन से ये बात सामने आई है कि प्रसार भारती, दूरदर्शन और भारत सरकार के चिन्ह के साथ में और कुछ सील के साथ में कुछ फर्जी दस्तावेज वगैरह हमें बरामद हुए हैं। यहाँ पर उपस्थित कर्मचारियों से पूछताछ करने पर उन लोगों ने बताया कि प्रसार भारती के नाम पर इनका इंटरव्यू लिया गया था हयात होटल में और वहां से इनको नियुक्ति पत्र जारी किया गया है। उनको ये कहा गया था कि कुछ दिन संविदा पे आपको रहना होगा, 4-6 महीना, उसके बाद किसी विभाग में आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। ऐसे इनके दफ्तर की तलाशी लेने पर सैकड़ों रिज्यूम भी हमें प्राप्त हुए हैं। भारत सरकार का चिन्ह लगे हुए पत्र हैं जो फर्जी है। इसके संदर्भ में इससे पूछताछ किया गया तो कोई भी दस्तावेज, कोई भी लाइसेंस, कोई भी एमओयू इसके पास नहीं है और इवन गुमास्ता लाइसेंस भी इसके पास में व्यापार संचालित करने का नहीं है। फिलहाल आरोपी को हिरासत में लिया गया है, अभी पूछताछ की जा रही है इससे। संदेह है कि आरोपी ने अनेक लोगों को आकाशवाणी प्रसार भारती में भर्ती के नाम पर फर्जी नियुक्ति पत्र जारी किए हैं। पुलिस जांच के बाद इस पूरे मामले का खुलासा होगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 21 मार्च को राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किश्त का भुगतान करेंगे। इसके तहत 18 लाख से अधिक किसानों के खाते में 1104.27 करोड़ रूपये की राशि का भुगतान किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री 21 मार्च को ही गोधन न्याय योजना की 15वीं और 16वीं किस्त के रूप में पशुपालकों के खातों में 7.55 करोड़ रूपये का भुगतान करेंगे। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि सीआरपीएफ माओवाद प्रभावित इलाकों में सरकारी नीतियों को अमल में लाने के लिए कृत संकल्पित होकर काम कर रहा है। श्री राय ने कहा कि बल ने झारखंड और छत्तीसगढ़ में माओवाद की आशंका वाले इलाकों में शांति और विकास का मार्ग प्रशस्त किया है। उन्होंने दृढ़तापूर्वक देश की सुरक्षा में तैनात रहने के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की सराहना की। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में इन दिनों मौसम का मिजाज बदल गया है और कुछ जिलों में बारिश होने के समाचार मिले हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में एक दो स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग के अनुसार एक चक्रीय चक्रवाती घेरा विदर्भ के ऊपर बना हुआ है। इसके असर से प्रदेश में दक्षिण और उत्तर पश्चिम से नमी युक्त और गर्म हवा आ रही है, जिसके प्रभाव से आज राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के मध्य और उत्तर भाग में बादल छाए हुए हैं। वहीं राजनांदगांव में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हुई, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। छत्तीसगढ़ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड व्यापमम ने छत्तीसगढ़ मंडी समिति में 168 मंडी निरीक्षक और उप निरीक्षक पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल 20 मार्च को बाबा गुरू घासीदास की जन्मभूमि और तपोभूमि गिरौदपुरी धाम में आयोजित गुरूदर्शन मेले में शामिल होंगे। वहीं मुख्यमंत्री कल राजनांदगांव और बिलासपुर जिले में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे। रायपुर में प्रथम वर्चुअल कोर्ट और नया न्यायालय भवन तैयार हो गया है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति पी आर रामचंद्र मेनन कल 20 मार्च को इसका ऑनलाइन शुभारंभ करेंगे। कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जूनियर इंजीनियर परीक्षा 2019 और 2020 के साथ ही एसआईएनडीपी सीएपीएफ परीक्षा के अलावा स्टेनो ग्रेड सी एंड डी की परीक्षाएं 21 मार्च से 1 अप्रैल तक ली जाएंगी। जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र रायपुर द्वारा आगामी 22 मार्च को पुराना पुलिस मुख्यालय परिसर में ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। दंतेवाड़ा जिले के बारसूर थाना क्षेत्र के मंगलार में माओवादियों ने एक ग्रामीण की हत्या कर दी। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में कथित घोटाले सहित अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर धमतरी के कन्या महाविद्यालय में आज हस्ताक्षर अभियान चलाया। दुर्ग जिला चिकित्सालय में जीवनदीप समिति के तहत डॉटो ऑपरेटर के 3 पदों पर भर्ती के लिए मेरिट सूची जारी कर दी गई है। उम्मीदवारों की कौशल परीक्षा 21 मार्च को जिला चिकित्सालय में ली जाएगी। भारतीय जीवन बीमा निगम के निजीकरण के विरोध सहित अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर राजनांदगांव कार्यालय के कर्मचारी कल एक दिवसीय हड़ताल पर रहे। राजनांदगांव जिले के ठेलकाडीह डोंगरगढ़ मार्ग में आज सिरसाही गांव के पास एक वाहन की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 2 लोगों की मौत हो गई जबकि एक अन्य घायल हो गया। दुर्ग के बोरसी क्षेत्र में मरम्मत किए जा रहे मकान का छज्जा गिरने से एक मजदूर दब गया। काफी मशक्कत के बाद मजदूर को बाहर निकाला गया। घायल मजदूर को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रायपुर पुलिस और साइबर सेल ने दुर्लभ प्रजाति के सांप रेड सैंड बोआ की तस्करी करने के आरोप में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस दुर्लभ प्रजाति के सांप की अनुमानित कीमत करोड़ों रूपये आंकी गई है। और राजनांदगांव जिले के खैरागढ़ क्षेत्र में गातापार पुलिस ने एक कार से 17 पेटी अवैध शराब के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने छत्तीसगढ़ सहित जिन राज्यों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं वहां जांच बढ़ाने और कोविड संबंधी नियमों का सख्ती से पालन करने को कहा। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री कल रायपुर पहुंचेंगे। एम्स के 10 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर और पेट सिटी मशीन का करेंगे लोकार्पण। राजधानी रायपुर में भारत सरकार के पत्र सूचना कार्यालय आउटरीच ब्यूरो और प्रसार भारती के नाम से फर्जी ऑफिस चलाने और फर्जी नियुक्ति पत्र देने वाले एक रैकेट का पर्दाफाश। और प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला। अगले 24 घंटों के दौरान एक दो स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।